बताते ब्राह्मणों में तो बहुत अकल होती है। अरे ब्राह्मणों में क्या सौरों में अकल नहीं होती, वो धूर्त है। अकल होती तो वैसे ही रोड बनाते अंग्रेजों जैसा। ये धूर्त है वो इसलिए साथी और एक रोड को 10 बार बनाते। नालायक वो नहीं, उनने तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुम नीच हो, नीच हो, नीच हो। अब तुम अपने आप को जो है, अच्छा इतिहास है ऐसा भी नहीं कि काल्पनिक कहानी हम कहीं तुमको झूठ बता रहे। अरे तुम धर्म ग्रंथ पढ़ो, उसी में लिखा है ढोर पशु शूद्र नारी सालन के अधिकारी। अरे महिला तो छोड़ो, हमारे समाज की सवर्ण समाज की महिला भी हमारे बराबर नीच। तो ये धर्म व्यवस्था थी औकात के हिसाब से। तो बोला मोदी भी अपने औकात के हिसाब से हवाई जहाज लेना चाहिए ना, है वो देश का पैसा है। और देश में हमारा जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है वो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बराबरी करेगा क्या सिक्योरिटी में? बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महंतों को नमन करता हुआ आज बहुजन समाज के भाग्य के दिन के रूप में इस देश में 26 जनवरी आया था, जिस दिन हजारों साल के गुलाम एससी एसटी ओबीसी मतलब शूद्र शूद्र और अतिशूद्र लोगों को इस देश में संविधान के माध्यम से बराबर का हक दिया गया था। साथियों, दुनिया में जितने भी देश है थे है वो सभी देश पहले भी संविधान के आधार पर चलते थे, संविधान के आधार पर आज भी चलते हैं। लेकिन दुनिया में भारत एक ऐसा देश है कि जहां जातियां है, दुनिया में जातियां नहीं है दोस्तों, दुनिया में काले गोरे हैं, लेकिन एक भारत जो ऐसा देश है कि जहां जातियां है। बाबा साहब ने कहा था जातियां जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि दुनिया में एक ही धर्म है और दो जाति है। दो जाति बाबा साहब ने बताई थी, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, और एक धर्म बताया बाबा साहब ने मानवता। लेकिन दुर्भाग्य कि इस देश में 6,500 जातियां बनाई गई, लेकिन 6,500 सिर्फ जातियां थी, वैसे तो 72,000 जातियां यानी उपजाति थी। आज भी हम ये बोल सकते हैं दावे के साथ कि 72 जातियां है, क्योंकि हमारे एससी समाज में बहुतायत खत्म हो गया। कोचरा भाव ने वो गिरे हुए नालायक टाइप के लोग ही इस टाइप की भावना रखते होंगे, नहीं तो हमारे एससी समाज में नहीं है। लेकिन आज भी हमारे बाकी समाज में, हमारे बहुजन समाज में सब कास्ट को लेकर लड़कियां दी जाती, मांगी जाती है। मैंने उस दिन मैं कई हमारे ओबीसी भाई से पूछता हूँ तो बोलता है मैं जैन कलार हूँ, मैं कोसरे कलार हूँ। विजय मानकर ने जो हमारा जो बीजेपी का अध्यक्ष था, एक वो कलार सम्मेलन में मैं गया था, वहाँ पे उनने भाषण दिया था कि बोले मेरे को कोसरे कलार होने का गर्व है। तो मैंने उनको कहा था, बोला भाऊ हम तो पूरे बहुजन समाज का नेता समझते हैं तुमको, और तुम ये कोसरे कलार के नेता अपने आप को बता रहे हो। तो साथियों, ये मानसिकता जो है, हमको सोच हमको बड़ा करनी पड़ेगी, तब हम बड़े होंगे। मुट्ठी भर लोग हम पर इसलिए राज कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप में छोटा सोचते। तो इस देश के मुट्ठी भर लोगों ने बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए जातियां बनाई, और उसमें भी उजातियां बनाई, यानी एक बैला तेली दो बैला तेली की लड़की नहीं मांगेगा, यानी इस टाइप की व्यवस्था इस देश में की गई थी। बाबा साहब को इस देश में बताया जाता है कि बाबा साहब ने, अभी बहुत से हमारे ओबीसी भाई बोलते कि बाबा साहब ने जातिवाद बढ़ाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 72,000 जातियां थी, जातियां 72,000 थी, और उन 72,000 जातियों को बाबा साहब ने 4 वर्ग में बांटा। एक को ओबीसी बना बड़ा वर्ग बनाया,
जिसमें 3743 जातियां और उसमें 12.5 पता कर लो, यानी 40,000, आधी तो इनकी है ना, आधी से ज्यादा, यानी 72,000 में 40,000 जातियों को बाबा साहब ने एक नाम दिया, ओबीसी। अभी जब भी भारत सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या भारत देश में कोई भी सरकार हो, अगर ओबीसी की बात करती है तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तेली, कुनबी, कलार, इतनी जातियां क्या महसूस करती है कि मेरी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, बराबर है। पहले क्या होता था, आजादी के पहले भी संविधान था, मैंने कहा कि संविधान के आधार पर ही कोई भी देश चलता है, क्योंकि बगैर संविधान के आधार पर देश चल नहीं सकता, क्योंकि आदमी इतना फितरती प्राणी है, जानवरों को कानून नहीं लगता लेकिन आदमी को कानून लगता है, अगर कानून नहीं रहेगा तो आदमी इतना नालायक प्राणी है, इसलिए उसको कानून, जानवरों को कानून नहीं, तो कानून पहले भी था। तो कानून क्या था, कानून मनुस्मृति का कानून था, उसमें चार वर्ग वर्ण थे, ये भारत में ही था साथियों, इसलिए ओबीसी खासकर, क्योंकि इस ये संघर्ष और ये लड़ाई ओबीसी ने शुरू की, और ये ओबीसी की है, मार चमारों के नहीं, ये तो गांव के बाहर थे। तो साथियों संविधान पहले भी चलता था, मनुस्मृति नाम का संविधान चलता था, उसमें चार वर्ण बनाए थे। अच्छा मैं काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं, और हमारा ओबीसी वर्ग खासकर, क्योंकि तुम नहीं सुधरेंगे तो हमारी भी ताकत खराब है। नागपुरे जी, इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी को काम दिया गया, और हमारे सुनने वाले बाहर जितने भी हमारे जो परिवर्तनवादी बोलते हैं उनकी ड्यूटी है ये, कोई हमारा ठेका नहीं, हमारा काम नहीं है ये, तुम्हारी हर एक आदमी की ड्यूटी है कि तुम्हारा कोई मित्र ओबीसी है, आदिवासी है, उसको वैचारिक रूप से आप बड़ा करें, ये किसी का ठेका नहीं, कोई हमको ठेका नहीं मिला, जो कांग्रेस बीजेपी वाले को ठेका मिलता है कि नहीं। राजनीति काय के लिए, राजनीति जो आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण, वो संगठनों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से समाज को प्रतिनिधित्व दिलाने का है, जो संविधान ने दिया है। ये सेठ बनियाओं के कुत्ते बनने के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण किस बात के लिए है, नेता एक त्याग का प्रतीक है, नेता समर्पण का नाम है, नेता किसी सेठ बनिया के कुत्ते का नाम नहीं है। साथियों हमारे समाज में कुत्ते पाले गए, बहुजन समाज की दुर्दशा इसलिए है, वो सेठ बनियाओं की, मनुवादियों की औकात नहीं कि तुमने तुमसे आमने सामने की लड़ाई कर ले, वो तुम्हारे ही कुत्ते तुम पे छोड़ते। मुझे किसी भी टाइप से कुत्ते से नफरत है, वो जो घर में पालते ना वो भी कुत्ते से नफरत है, वो अपने जाति पे भोगता है मालक के लिए, वो रोटी के लिए, तो वही गुणधर्म है बहुजन। मैं मनुवादियों को दोष ही नहीं देता, उनके पाले हुए कुत्ते जो है उनके वजह से पूरे देश में आज बहुजन समाज की यह हालत है। तो मनुस्मृति का जो कानून था उसने चार वर्णों में हमको बांट दिया था, SC ST OBC, नहीं SC ST OBC तो बाबा साहब ने 1932 में नाम दिया, उसके पहले शूद्र अति शूद्र, शूद्र का मतलब नीच यानी ओबीसी, और SC का मतलब महानीच यानी हम लोग मार चमार। तो वो भी कानून, मैंने जब भी बताया कि बगैर कानून के, तो वो कानून बना के इस देश के 85% लोगों को छला जाता था, जुल्म जानवर से बदतर जुल्म किए जाते थे। इसलिए संत जगनाड़े महाराज हुए, संत तुकाराम महाराज हो गए, संत गाड़गे बाबा हो गए, बहुजन समरानी अवंती बाई हुई, नामदेव हुए, बहुजन समाज में 109 महापुरुष हुए, लेकिन साधियों उनके जातियों को ही पता नहीं कि हमारा महापुरुष हुआ। ये तो धन्य है कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को मैं राजनीतिक पार्टी नहीं समझता। नेता नालायक हो सकते हैं, नेता नालायक हो सकते हैं, ये आज हम नालायक नहीं होते तो आज हम प्रधानमंत्री होते, कहीं ना कहीं हमारी नालायकी है, मानना पड़ेगा। ये हम नालायक नहीं होते कहीं ना कहीं, या हमको संगठन नहीं समझा होता, या विचारधारा नहीं है ना, तो हम हमारी गलती है ये, इसको और गलती को गलती बोलना कोई शर्म की बात थोड़ी है, अपने अपने हिस्से का काम करना। तो बताने का मतलब है उस समय वो था, उस संविधान से देश चलता था मनुस्मृति के नाम से, और उसने तुमको अधिकार तो छोड़ो, अच्छा नाम रखने का तक अधिकार नहीं दिया था, बाकी तो छोड़ दो अधिकार, अब समझ लो तुम, यानी तुम अपने बाप बाल बच्चों के नाम अच्छे शुभ नहीं रख सकते थे, फाकले फेंकले भेदरे टोपले इस टाइप के नाम को रखने की पाबंदी थी, पढ़ने लिखने की तुम नहीं तो जान दो,
यानी इस टाइप का उस समय का संविधान था। बाबा साहब को बोला जाता है कि जातिवाद बड़ा है, अरे 40,000 जातियों को ओबीसी नाम देती है जोड़ा की तोड़ा, 1,500 जातियां एससी में आती है उसमें भी 12.5% सब कास्ट, इतनी जातियों को एससी का नाम दिया तो जोड़ा की तोड़ा, आदिवासी को जोड़ा की तोड़ा। तो साथियों इस देश में नालायक वो नहीं, उनने तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि तुम नीच हो नीच हो नीच हो। अब तुम अपने आप को जो है, अच्छा इतिहास ऐसा भी नहीं कि काल्पनिक कहानी हम कहीं तुमको झूठ बता रहे, अरे तुम धर्म ग्रंथ पढ़ो, उसी में लिखा है ढोर पशु शूद्र नारी सालन के अधिकारी। अरे महिला तो छोड़ो, हमारे समाज की सवर्ण समाज की महिला भी हमारे बराबर नीच। तो ये धर्म व्यवस्था थी। और साथियों इस आधार पर बहुजन समाज का शोषण होता था। तो मैं अक्सर कहता हूं, मैं आज भी लिखा कि 15 अगस्त जो है ये अंग्रेजों का सवर्णों को सत्ता का हस्तांतरण दिन था। 15 अगस्त जो था वो बहुजन समाज के आजादी का दिन नहीं था, वो अंग्रेजों का सवर्णों को सत्ता का हस्तांतरण दिन था। असली आजादी बहुजन समाज को 26 जनवरी 1950 में मिली है, ये हमारे आजादी का दिन था। अब 26 जनवरी कैसा आजादी के दिन था कि उस दिन हमको बराबरी का हक इस संविधान ने दिया। उस दिन इस देश का सवर्ण जो है, इस शहर का सबसे बड़ा आदमी प्रफुल्ल भाई पटेल का भी एक वोट है और सबसे गरीब आदमी का भी एक वोट, ये समानता का अधिकार संविधान ने दिया। तो बहुजनों के आजादी का कोई अगर दिन है तो मैं 26 जनवरी को मानता हूं साथियों। और बाबा साहब ने देखो, मेरा तो मानना है बाबा साहब किसी जात के आदमी ने, तो यहां पर डंके की चोट पे मैं बात कहता हूं कि बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी को बराबरी का हक दिया। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, लेकिन कोई स्वर्ण भी ये कह दे कि बाबा साहब अंबेडकर ने हम पे अन्याय किया, मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। साथियों बाबा साहब अंबेडकर ने बहुजन समाज के को न्याय दिया, लेकिन किसी अपर कास्ट के आदमी को अन्याय नहीं किया। अगर मेरा मानना है, मेरा दावा है कि जिस दिन सवर्ण समाज का आदमी भी बाबा साहब को पढ़ लेगा समझ लेगा, और आज भी ऐसे कई सवर्ण ने जिन्होंने पढ़े समझे तो आज भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानते, आज भी है, नहीं ऐसी बात नहीं, तो हमने नहीं समझा इसलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लोगों ने हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने भी गलत टाइप की बात की, ये भाषणों के माध्यम से गलत गुमराह करने की बात नहीं थी, बहुत से लोगों को तो समझा भी नहीं। साथियों मैं 1950 को क्या हुआ, क्योंकि सौर्ण क्यों बाबा साहब के आगे नतमस्तक होगा, क्योंकि सबसे बड़ा उपकार भी बाबा साहब ने सौर्ण पर किया। क्या किया मैं बताता हूं, 1950 में बाबा साहब ने संविधान लिखते समय इन्हें कितने बड़े उपकार किए सौर्ण पे, इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। और इसमें कोई दावा होगा, कोई चैलेंज होगा तो कोई भी आए और मुझे ये बता दे कि ये बात तुम झूठ बोल रहे, किसी भी टाइप की जिंदगी पर गुलामी करूंगा मैं। तो साथ ही 1956 में बाबा साहब ने जो संविधान को जब देते समय बहाल करते समय बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने कहा कि ये समाज सवर्ण समाज के भाइयों, आपने हमारे महापुरुष हमारे वक्ताओं ने या हमारे बहुत से लोगों ने भाषण में बाबा साहब ने सहूलत दे ला, मुझे सहूलत, बाबा साहब ने हमको सहूलत नहीं दिए, सहूलत यानी क्या होती, रियायत होती, भीख होती, यानी कहीं ना कहीं उदारता दिखा ऐसा हो जाता है, बाबा साहब ने सहूलत नहीं दी हमको, सहूलत बताई जाती है और इसलिए उन्होंने भीख कहा। बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए, बराबर का अधिकार दिए, सहूलत नहीं दिए, कितना फर्क है। अभी ये बुद्ध विहार में एक पेंटिंग है, वो मुझे बहुत खलती है हमेशा वो पेंटिंग, हमारे किसी जानकार अपने आप को पढ़े लिखे लोगों ने वो पेंटिंग की, उसमें पेंटिंग में क्या है कि स्टेडियम है और स्टेडियम में वो छोटे और बड़े दिखाया। अरे बाबा साहब ने किसी को छोटा और बड़ा बोला ही नहीं, तो वो एक छोटे बच्चे को क्या किया, टेबल बड़ा टेबल दे दिया और बड़े वाले को छोटा टेबल दे दिया, बोले ये समानता, और दूसरा फोटो छापा उसने कि ये असमानता है।
अरे भैया बाबा साहब ने किसी को छोटा टेबल बड़ा टेबल दिया ही नहीं, तुम क्यों, जब तुम ही बाबा साहब को नहीं समझे तो दूसरे क्या समझ जाएंगे। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया, वो टेबल देख लेना आप, वो बुद्धिहार में हमेशा जाते आते खलता। तो बताने का मतलब है कि बाबा साहब हमको ही नहीं समझे। तो बाबा साहब ने संविधान लिखते समय क्या कहा, देखो कितना अपर कास्ट के सौरनों को कितने उपकार किए। मैं तो बोलता हूं बाबा साहब ने जो संविधान लिखा ना, वो हम पे उपकार नहीं किए, सौरनों पे उपकार किए। क्योंकि संविधान लिखते समय बाबा साहब ने क्या कहा, देखो सौर्ण समाज के मेरे भाइयों, हजारों साल तुमने हमारी धन धरती छीनी होगी, हमारे हक छीने होंगे, हमारी मां बहनों की इज्जतें लूटी होगी, हमारे तुमने हजारों साल सब छुप छैन, हमारा शिक्षा छीन ली, सब छीन लिया हमारा, लेकिन आज के बाद तुम हमारी धन नहीं छीनोगे, हमारी धरती नहीं छीनोगे, हमारे मां बहनों पर जुल्म नहीं करोगे, उस बात की बाध्यता का नाम आरक्षण है। आरक्षण क्या है, बाध्यता है। मेरी अपनी नजर में, मैं चैलेंज करता हूं किसी भी माई के लाल को, आरक्षण का मतलब बाध्यता है। यानी उनको बाध्य किया सौरनों को कि आज के बाद तुम हमारी धन धरती नहीं छीनोगे, हमारा सुख चैन नहीं छीनोगे, बराबरी के हक में हमारे तुम दखलंदाजी नहीं दोगे। और बाबा साहब ने क्या उपकार किया, मैं क्यों बोल रहा हूं कि बाबा साहब के आगे सौर नतमस्तक होंगे। बाबा साहब ने इतनी बड़ी उदारता दिखाई, बाबा साहब ने यह नहीं कहा सौरनों को कि तुमने हमारे बाप दादा की जमीनें अंगठा लगा लगा के छीनी, वो वापस करो। कहा क्या संविधान में, इसलिए उन पर उपकार है, तुम पर उपकार नहीं है। बाबा साहब के सबसे ज्यादा उपकार सौरनों पे है कि बाबा साहब ने संविधान में लिखते समय बराबरी का हक देते समय कहा कि सौर्ण समाज के लोगों, पिछला कहा ही नहीं कि तुमने हमारी इतनी बड़ी धन धरती छीनी, सुख चैन छीनाल, सब छीना छीना छीना, लेकिन आज के बाद तुम नहीं छीनोगे, इसकी बाध्यता का नाम आरक्षण है, बराबरी का हक है, सहूलत नहीं है, रियायत नहीं है। बहुत से लोग, मैं तो नालायक कहूंगा, नहीं मिलते आरक्षण, हमारे लोग उदाहरण देते, बोले आरक्षण, बोले जिनकी तबियत खराब रहती, जैसे उदाहरण भी कैसे देते, देखो नालायक उदाहरण देते, जैसे किसके घर में बोले तबियत खराब हो जाती तो उसको अंगूर सेब देते, ऐसे बोलते ना आरक्षण। अबे तब तुम्हारी 75 साल से तबियत खराब है क्या, तुम आजाद भी होगी तो भी तुम्हारी तबियत खराब है, 75 साल से अंगूर सेब खाओगे, तुम खुद ही बीमार समझते हो अपने आप को, तुम खुद ही बीमार समझते हो, अपने समाज को बीमार बना दिए तुमने कि हम तबियत खराब है हमारी। अबे हमारी तबियत खराब नहीं, बाबा साहब ने ठंडम कर दिया हमारी तबियत, तबियत खराब मतलब बीमार, कुछ क्या उदाहरण देते। तो साथियों, बाबा साहब ने पुराना कोई भी हिसाब नहीं रखा और बाबा साहब ने कहा कि आज के बाद तुम हमारी धन धरती, हमारे चैन को नहीं छीनोगे, बाध्यता बाध्य कर दिया। लेकिन बावजूद पिछला कुछ भी नहीं लिया, इनके पास हजारों एकड़ है, गोपाल अग्रवाल के पास बताते कि जितना बड़ा गोंदिया उतनी जमीन है, बोलते कहां से आई इसकी जमीन, ये गोवारी की जमीन, ये ग्राउंड पे आए दिन कब्जा करने की सोचता है। मैं इस मंच से और बताता हूं, वो ग्राउंड था, ग्राउंड है, ग्राउंड रहेगा, वो टंकी बन गई, समझे क्या, लोगों को बहुत सी चीजें नहीं समझ में आती, ये हमारी जो है ना। तो बताने का मतलब है पुराना हिसाब बाबा साहब ने इनका कुछ भी नहीं किया, जैसे का वैसा आज के बाद तुम हमें। तो उसके बाद बाबा साहब ने लिखा कि हमारा जो श्रम है, इस श्रम से जो धन उत्पन्न होगा वो हमको हमारे हिस्से में आना चाहिए, हमारे श्रम का धन, हमारे इस देश का जो भी है। लेकिन साथियों, आज भी आजादी के 75 साल बाद हमारे श्रम को लूट लूट के, हमारे धन को लूट लूट के, और किसके माध्यम से लूटा जा रहा है, हमारे ही जो पाले हुए कुत्ते उनके, है ना, हमारे ही लोग जो उनके पास काम करते। बहुत से लोग बोलते तुमची पार्टी वाले नाही बे, अबे तू अपनी ऐसी तैसी तिकड़े करून राहिलास, आमची पार्टी कशी वाढन बे, हे पार्टी तो तुझ्या भरोशाने आहे, हम पे हंसते की तुम्हारी बढ़ती नहीं, अबे तुम्हारी औकात है कि हम पे हंसने की, हम अपने हिस्से की ड्यूटी कर रहे, तुम अपनी नहीं कर रहे, तुम साले नालायक हो, हम थोड़ी छे, तुम अपने हिस्से की ड्यूटी नहीं कर रहे, हमको कोई शर्म नहीं लगती, हमारे हम भाषण देंगे तो 5 लोग भी रहेंगे तो भाषण दे, हमको क्या लगता है, हम तो कहीं शर्म है,
अब ये जब फुले से अंबेडकर की बात हम करते हैं और इतना बड़ा फुले से अंबेडकर का समाज है, तो तुम्हारी जरूरत है कि तुम वहां पे खड़े रहो और उसकी इज्जत बढ़ाओ? हमारी थोड़ी जरूरत है? तो साथियों, आज इस देश की जो दुर्गति है, बाबा साहब ने बराबर का हक दे दिए, लेकिन एक कहा भी था कि जिसके बेटे नालायक होते उसके लायक बाप की इज्जत नहीं होती। बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, उसको चलाने वाले यदि अगर नालायक है, लायक नहीं है, तो संविधान भी ये गलत। सर बाबा साहब ने ही कहा था। तो साथियों, जैसा हमको तो मंजिल पहुंचना है, ये सत्ता हमारे लिए साध्य नहीं है, साधन है। जैसा हमको बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, तो हम क्या करते, जल्दी जाना है तो कोई हवाई जहाज से जाता है, वैसे ट्रेन से जाता, पैदल जाते क्या? तो इसलिए हमको सत्ता हमारे लिए साधन है। तुम्हारे पास बड़ा साधन रहेगा तो जल्दी पहुंचोगे। अब 85% लोग है उनके पास साधन ही नहीं है, साधन भी है तो ऐसा टुटपुंजा है जिसमें दल, तो ऐसे कम तो साधन ही नहीं है। तो साथियों, हमारी ड्यूटी है, समाज के हर व्यक्ति की ड्यूटी है, कोई हम ठेकेदार नहीं है, बहुजन समाज पार्टी कोई ये वो नहीं है, गिरोह नहीं है। जैसा ये कांग्रेस बीजेपी जो है ना, माल लगाओ माल कमाओ की दुकान। अभी तुम्हारी औकात बताता हूँ क्या कर दिया मोदी ने। मैं नागपुर में अप डाउन करता हूँ, पहले जनरल डब्बे थे, एक डब सामने दो थे महाराष्ट्र एक्सप्रेस में, विदर्भ में दो थे पीछे। मोदी जब से आया जनरल डब्बे बढ़ना चाहिए कि नहीं? कांग्रेस ने तो भी जनरल को महत्व नहीं दिया। अभी देखो उधर हम, अभी हम वो जनरल के लोग हैं, लेकिन जनरल डब्बे में बैठते तो हम जनरल हो जाते, फिर वो आरक्षित हो जाते। देखो ना शब्द, देखो अब हम जनरल हो जाते ट्रेन में। तो वो ट्रेन पे डब्बे गायब कर दिया, एसी बढ़ा दिया, कल तो हद किया, वो एक ठो डब्बा था उसमें भी आधा वो आरएमएस को पोस्ट को दे दिया, लोग बैठने को तैयार, वहां पे कहां बैठेंगे बताओ? डेली 2-4 हजार लोग देश में मरते हैं बहुजन समाज के, वही लटक लटक के गाड़ी में जाके, जिसने तुमको रिजर्वेशन में बैठने को बर्थ दिया तो सीट देना चाहिए बैठने वाले को, पूरी व्यक्तियों की। वो बहुजन समाज का प्रतीक है डब्बे। लोकल ट्रेन बंद कर दिया, 30 रुपए टिकट थी नागपुर जाने के लिए, अभी 60 रुपए कर दिया, बताओ। गरीब आदमी था, 30 रुपए से जाता था। तो ये सो साथियों, बाबा साहब ने हमको तो अधिकार दे दिया, संविधान में लिखे हैं, लेकिन जब तक हम लोग जो है उस संविधान के आधार पर अगर हम नहीं चलेंगे, हम अपनी संस्थाओं को ताकतवर नहीं बनाएंगे। हम अपनी संस्थाओं को ताकतवर बनाने का मतलब हम ताकतवर बनना है। तो साथियों, आज के इस अवसर पर आज़ादी के 75 साल बाद में भी हमको क्या बोला जाता है, पेपर में क्या आता है, दुर्लक्षित समाज, बराबर है, वंचित समाज। अरे पेपर में पढ़ते हो, अभी कल वो राष्ट्रपति भाई ने भाषण दी, मुर्मू ने क्या बोली, देखो कितना चूतिया बनाते ये लोग। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है बोले भारत, बताओ। दुनिया के 2रे नंबर का पॉपुलेशन वाला देश है और यहां पे प्राकृतिक वातावरण, धन धरती पैदा करने सब है। आए दिन जापान में भूकंप होता है फिर भी दुनिया को कर्ज दे रहा है। वो इजराइल जो है 1 करोड़ भी पॉपुलेशन नहीं है, चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्र है, वो फिलिस्तीन जैसे, फिर भी वहां पे पुलिस काम करती है और वो तरक्की करता है, हमको औजार बेचता है 1 करोड़, और 135 करोड़ का देश, बताओ 135 करोड़ का इतना बड़ा देश। ये उसने, राष्ट्रपति ने कल बताई कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था हम 5वें नंबर के। अरे भाऊ, अमेरिका में 30 करोड़ लोग हैं, हमसे 5% पॉपुलेशन कम है, उसकी इकोनॉमी हमसे 10 गुना ज्यादा है, बराबर है। तो ठीक है, ये कुछ देश अव्वल है, लेकिन क्या अभी बीच में उसने बताया था 2 साल पहले, नहीं, फ्रांस की इकोनॉमी से हम आगे गए। अबे किसको चूतिया बनाता है, फ्रांस का पॉपुलेशन 4 करोड़ है, वो 4 करोड़ देश का पॉपुलेशन तेरे 125 करोड़ से ज्यादा है या बराबर है। अब उससे 10-20 रुपए कम आ गया तो क्या उससे हम आगे बढ़ गए क्या? देखो कितने चूतिया बनाते। तो आज अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट है, पेपर में इंडेक्स आया था, इकोनॉमी में हम 144वें नंबर पे, कहां पे है भारत अर्थव्यवस्था में, किसने नंबर पे, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था काय पे, कि वो एक प्रति क्या बोलेंगे, प्रति देश इतना पॉपुलेशन इतना उसका
है ना, प्रति व्यक्ति आय गिनी जाती है, ये देश की आय गिनते, प्रति व्यक्ति आय नहीं गिनते, ये देश की आय बता रहे। तो वो जो फ्रांस 4 करोड़ देश है, अगर उसकी इकोनॉमी तुम्हारे 125 करोड़ इतने बड़े देश के बराबर है और तुम उससे मान के चलो 10-20 रुपए कम है, तो तुमसे ज्यादा गरीब है कि तुम ज्यादा गरीब हो? तो आर्थिक रूप से भारत 144वें नंबर पे है। अब 144 पे क्या है मालूम है क्या? भारत में रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। देखो एक महत्वपूर्ण बात समझो कि क्यों तुमको सत्ता की जरूरत है। तुम्हारे बाल बच्चों को अगर कुछ होना तो सत्ता लगेगी। और भारत की सरकार, मेरे को बताओ, अंग्रेजों ने जो रोड पुलिया नाली बनाए आज भी जस को तस है कि नहीं? ये कितने बार रोड बनाते, ये पागल है क्या? समझ लो इस बात को, षड्यंत्र को समझो, षड्यंत्र को समझना पड़ेगा एससी एसटी ओबीसी के लोग। अंग्रेजों ने जो चीजें बनाए हैं आज भी जस को तस है। और ये 1 करोड़ को 10 बार बनाते क्यों बनाते? ये बेवकूफ है क्या, मूर्ख समझते तुमको? जबकि बहुत से लोग बताते ब्राह्मणों में तो बहुत अकल होती है। अरे ब्राह्मणों में क्या, सवर्णों में अकल नहीं होती, वो धूर्त है। अकल होती तो वैसे ही रोड बनाते अंग्रेजों जैसा, ये धूर्त है। वो इसलिए साथी और 1 करोड़ को 10 बार बनाते कि भारत में जो बहुजन समाज इकोनॉमी जनरेट करता है। मैंने एक बार पोस्ट लिखा था कि मोदी मैं तेरे भरोसे नहीं, तू मेरे भरोसे। हर खरीदी पे टैक्स देता हूं, उससे वो सरकार पैसे नहीं कमाती, जनता पैसे कमाती है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में सरकार को देती है। फिर वो सरकार के पास जमा होता है और सरकार की ड्यूटी है फिर वो जनता के शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार के लिए लगाए, सिस्टम है। तो मोदी क्या है, मालक नहीं है, मोदी नौकर है। मोदी के भरोसे मैं नहीं, मेरे भरोसे मोदी है। और मेरे पैसे से अय्याशी कर रहा है, वो जनता के पैसे से अय्याशी कर रहा है। 16,000 करोड़ का प्लेन खरीद लिया मोदी ने। अभी एक एम्स हॉस्पिटल बना, नाम सुनते होंगे एम्स, नागपुर में एम्स हॉस्पिटल बना, 1,000 करोड़ रुपए का बना। देखो वो धूर्त है, तुम समझ लो इस बात को, षड्यंत्र को समझना पड़ेगा हमारे लोगों को। 1,000 करोड़ में एम्स बना, मोदी ने अपना हवाई जहाज ही 16,000 करोड़ का लिया। 16,000 करोड़ का हवाई जहाज है मोदी का, बताओ। अभी नागपुर में वो आया था, मैं भी था, इतने बार मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आते, इतनी सिक्योरिटी, वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी ज्यादा उसको, इतना पैसा तुम्हारा मिसयूज हो रहा है कि नहीं? 16,000 करोड़ का एम्स जो है प्लेन खरीद लिया। और कई ये चूतिए भक्त बताते हैं, ये मोदी भक्त बोले, एक वो 5-7 लोग मेरे को मिले थे, मैं कह रहा गाड़ी में जाते आते अपना देते रहता हूँ, एक एक जो जो भी मिला वैसे वैसे इंजेक्शन देता हूँ, मेरी आदत है। तो मैंने उनको बताया, 5-7 पढ़े लिखे थे, तो बोले भैया बोले मोदी ने अपने लिए नहीं लिया। बोले तो बोले तू जाता है कि उसके हवाई जहाज में घूमने? अपने लिए नहीं, ठीक है बोला। तो बोले देश का इतना बड़ा है, उसने में 16,000 करोड़ का लिया तो क्या हो गया? तो मैंने उसको पूछा तुम कौन सी नौकरी करते जी? बोले एक बोले बैंक में था, एक बोले ड्राइवर हूँ, बोले रेलवे में, ठीक है। तो तुम्हारे पास कार है क्या? बोला तो बोले हाँ कार है। तो कौन सी है? तो वेगन आर है, और एक के पास डिजायर, क्या बोलती वो, सुजुकी की, एक एक के पास 5-6 लाख की, एक के पास 8-9 लाख की कार है। बोले तो मैंने बोला तुम मर्सिडीज क्यों नहीं लिया? तू तो रेलवे में ड्राइवर हो, मर्सिडीज क्यों नहीं लिया? नहीं नहीं भैया बोले अपने औकात के हिसाब से। तो बोला मोदी भी अपने औकात के हिसाब से हवाई जहाज लेना चाहिए ना, हाँ, वो देश का पैसा है। और देश में हमारा जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है वो अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बराबरी करेगा कि सिक्योरिटी में? भाई जितना पैसा है तुम्हारे पास उसके हिसाब से तुम लोगे ना। तो देश की अर्थव्यवस्था के आधार से मोदी ने पैसे खर्च करना चाहिए था, यानी अपने संसाधन लेना चाहिए था, नहीं? तो साथियों मैं ये बता रहा था, मेन बात है अर्थ, पैसा। देश में पैसों की कमी नहीं है, देश की सरकारें उस पैसे को मिसयूज करती है। क्यों मिसयूज करती है? 1 करोड़ को 10 बार क्यों बनाती है? कि वो पैसा अगर एक बार में 1 करोड़ बन गया तो वो 9 टाइप में जो रोड बनने वाला पैसा आ जाके तुम्हारे पास आएगा कि नहीं? आखिरी में भाई पहुंचते पहुंचते सरकार का पैसा तुम्हारे पास आएगा, और जब तुम्हारे पास आएगा एससी एसटी ओबीसी के पास, तो कहीं ना कहीं तुम बलशाली बनोगे, पैसों से बलशाली बनोगे, तो फिर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, तो फिर तुम्हारे लड़के भी समझदार बन जाएंगे। और जब तुम समझदार बनोगे तो ये 2,000-1,000 मारवाड़ी के वोट है, और उसमें दोनों आमदार के लिए खड़े और 2 लाख वोट मिल गए, उनको वोट देंगे क्या? हाँ उनको वोट देंगे, प्रफुल्ल भाई को वोट देंगे तुम?
तो तुमको नालायक बना के रखना इस देश में, तुमको साधनहीन धनहीन, और कभी 51,000 स्कूल बंद कर दिए, शिक्षा महंगी कर दिए, तो तुमको नालायक नाकारा बना के रखने के लिए, तुमको निर्धन बनने के लिए, तुमको अनपढ़ गवार रखने के लिए सरकार काम कर रही है आजादी के 75 साल बाद। तो मेरे को बताओ, तुमको बहुजन समाज पार्टी है कि बहुजन समाज पार्टी को तुम्हारी जरूरत है? नहीं तो तुम्हारे पास दूसरी कौन सी पार्टी है जो दिल्ली में तक जा सकती, बताओ? नहीं कौन सी पार्टी तुम बताओ? मैं मत बोलता हूं बीएस में, मेरे को भी बहुत सी चीजें नहीं पट रही, वो बात अलग है भाई। घर में भी तो बीवी बहुत बार आप कनकन करती, पर शाम को घर में ही जाते हो ना, जाते हो कि नहीं घर में? तो संगठन में भी तुम्हारे हिसाब से सब होगा क्या? कभी कभी नालायक लोग भी आ जाएंगे संगठन में बहुत बार, फिर अब क्या करेंगे? हम भी परेशान है कोई कोई बात को लेके, क्या करेंगे फिर? मैं जाऊं क्या कांग्रेस में, बीजेपी चले जाऊं, तलवे जाटू वहां पे? हा? तो साथियों, समझने की बात यह है कि इस देश की सरकारें तुम्हारे जो देश में जो इकोनॉमी जो जनरेट होती है उसको लैप्स करती है, और वो इसलिए लैप्स करती है ताकि तुम तक पहुंचे नहीं। और इसलिए हम देखेंगे कि भारत में अपर कास्ट के लोग ही पैसे वाले हैं, सत्ता का केंद्रीकरण उनके पास है। अगर तुमको टिकट होना भीमनगर के भी नगर परिषद के टिकट होना तो जाना पड़ेगा मारवाड़ी के पास, नहीं तो गुजराती के पास, जैन के पास, जबकि तुम्हारे पास आना चाहिए कि नहीं? तो ये व्यवस्था उन्होंने राजनीति के माध्यम से बनाई है साथियों। तो हमको समझना है कि जब तक तुम्हारी सरकारें इस देश में नहीं आती तब तक तुम्हारे बाल बच्चों के जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि शिक्षा खत्म, ये खत्म, वो खत्म, सब खत्म खत्म है। तो ओवरऑल हमको बात यह समझना है कि इस देश में धन धरती की जरूरत नहीं है, इस देश में इतनी धन धरती है, जापान आए दिन भूकंप होता है फिर भी हमको दुनिया को कर्जा देता है, यहां पे समय पे धूप है, ठंडी है, सब है, लेकिन हमारी सरकार नहीं है। और जो सरकार है वो तुमको गुलाम, हजारों साल उनके पहले उन्होंने कानून बना के रखे थे ना मनुस्मृति, लेकिन लोकतंत्र जब बाबा साहब ने दिया, उनकी मजबूरी हो गई कि इस लोकतंत्र में भी तुमको कैसा गुलाम बना के रखना। तो इसलिए तुम्हारे सबसे पहले जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हारे ताप तक शिक्षा नहीं पहुंचने देना, तुम तक पैसे नहीं पहुंचने देना, तो इस षड्यंत्र करती है भाई ये सरकार है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहला काम अपन घर से शुरू करते, हमारे समाज में चमचे भड़वे को चिन्हित करना पड़ेगा, उनकी दुकान बंद करनी पड़ेगी कि नहीं? क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट प्रफुल्ल भाई आता है क्या यहां पे? गोपाल आता है क्या? कौन आता है? अच्छा ये लोग देखो अपने माँ बाप के नहीं पढ़ते, अरे गोपाल भैया पैर पड़ेंगे, अरे भैया पैर पड़ेंगे, अपने बाप के कितने बार पढ़ा बे? तो गुलाम लोग जो है क्या तुमको हक दिलाएंगे समाज को, जो खुद ही गुलाम है? बाबा साहब का आंदोलन क्या झुकने का आंदोलन है? टिकने का आंदोलन है? झुकने का आंदोलन है क्या? तो साथियों, आज के इस अवसर पर बहुत सी बातें हो गई है, और मैं बोल रहा हूं करके नहीं, चिंतन करो। और वो क्या करते हैं, वो जाते जाते एक बात बताता हूं, मैं फेसबुक में मैं लिखते रहता हूं आए दिन, देखो वो किस लेवल पे काम करते हैं और हम कितने नालायक हैं। आमचा हमारे समाज में एक आध बाबू बन गए, चपू उसकी औकात ही बढ़ जाती है, तेल लगते में साला बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन हो के शाहरुख खान तो वो आते जब आवेश नहीं, मुझे उसका पैसे का उसको होता ही नहीं कुछ, इतना इसके आंग में आती है। लेकिन वही आरएसएस के लोग मुट्ठी भर लोग हैं, वो पैसे वाले भी रहेंगे ना, समझे क्या? तो वो समाज के लिए योगदान देते, अरे यदि बाबू मास्टर झाला तो तेरे समाज नालायक लगते, तेरे लगते मी, अरे भैया तू बाबू मास्टर भी बना तो समाज के संघर्ष से, तेरी औकात की वजह से नहीं बना, समाज ने दिलाया, समाज को प्रतिनिधित्व भी मिला, तेरे व्यक्ति को थोड़ी मिला, ये फर्क है। और वो किस लेवल पे काम करते, मैं उसका उदाहरण बताता हूँ, मैं फेसबुक में लिखते रहता हूँ, मैं जब फेसबुक में लिखता था तो मेरी जो पोस्ट थी वो 40,000 बार शेयर होती थी, यानी लोगों तक जाती थी, तो वो उनने मेरी आईडी बंद कर दिए, और आए दिन मेरी आईडी बंद करते थे, यानी मैं अभी मेरे पास पहले फ्रेंड और मेरे को 5,000 फ्रेंड थे, और मेरा फ्रेंड वही बन सकता था कि जिसके पास 4,000-5,000 फ्रेंड थे, यानी इतने प्योर लोगों, क्योंकि वो मेरा टाइम पास नहीं है, वो वहां से मैं सामाजिक काम करने का मेरा वो, तो मेरी आईडी बंद कर दी, आए दिन मेरी आईडी बंद करते। यानी देखो ये जो है आरएसएस या इनके लोग, ये मेरे जैसे चिल्लर आदमी पे काम करते, सोचो, और हम लोग कितने गफलत में है, मेरे बात नहीं पहुंचना चाहिए करके मेरे जैसे चिल्लर आदमी पे काम करते, मेरी वो आईडी बंद कर देते।
कई लोगों की, मेरी नहीं, मेरी उदाहरण बता रहा हूं। और हमारे लोग कितने गफलत में, अरे बाबा तू बाबू बन गया, चपरासी मास्टर बन गया, तेरे लड़के का क्या प्रोग्राम बता बरा मैं पूछूंगा अभी तो। भाई ये जो बाबू मास्टर बने हैं इनके बाल बच्चों के लिए क्या प्रोग्राम है बताओ? तुम तो 10वीं 12वीं में डीएड में बीएड करके मास्टर बन गए, तुम्हारे वजह से अगर नौकर लगते तुम्हारे लड़के तो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट है, वो क्यों खाली है? तो साथियों जो भी हासिल होगा हमको सामाजिक संघर्षों से हासिल होगा, और उसमें एक एक आखिरी के आदमी की भी जरूरत है, आदमी की आखिरी। तो हर आदमी ने आज के इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों ने इसको अपने बाल बच्चों की लड़ाई समझकर आंदोलन में समय देना है, पैसे देना है, जो भी आप दे सकते हो देना है। इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। जय फूले, जय शिव, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।